दूसरे रैंक पे आए हैं, ये दूसरे रैंक पे आए हैं। हाँ बेटा, कौन बोल रहे बेटा तुम? आकृति शाही सर। आकृति शाही बोल रही हैं, कहाँ से बोले बेटा तुम? देवरिया से हूँ बट प्रयागराज में रूम लेकर रहती हूँ। देवरिया से हैं बट प्रयागराज में। सब प्रयागराज वाले, प्रयागराज वाले तो हंगामा कर दिए, टॉप 20 में इतनी स्थान प्रयागराज से। हमारा असर तो नहीं, तुम्हारे तो हमारा असर तो नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया हो कि प्रयागराज वाले सब पा जाए। बेटा पढ़ाई दूसरी रैंक आई है, ये बताओ यहाँ पे फैमिली के साथ रहती हो रूम लेके रहती हो? रूम लेकर रहते हैं। तो खाना बनता तुमसे? रोटी गोल बनती है? हाँ? इनसे रोटी गोल बन जाती है? लड़कियां बना, लड़कों के साथ प्रॉब्लम आती है, लड़कों की रोटी गोल नहीं बनती है, उन्हें नक्शे बनाने पड़ते हैं। तो चलो बेटा रोटी गोल तुम्हारी बनती है, ठीक है। तो ये बताओ दूसरी रैंक का, ये 8,500 बच्चों के बीच में आप सेकेंड रैंक पे आए हो, ये बताओ घर पे फोन करके बताया, पापा मम्मी को जानकारी दी? नहीं सर, जब फोन मिलेगा तो बता देंगे। अच्छा, इसी फोन से बताएगी, इसे कहते हैं, देखो बेटा इसे कहते हैं मेहनत, और मेहनत का फल तब बताएगी जब फोन मिलेगा। तो बेटा तुम तो इलाहाबाद के, तुम्हारे तो हम घर आके फोन दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा जो सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत हर बच्चे तक पुरस्कार पहुंचेगा। तो पापा क्या करते हैं वैसे बेटा? टीचर है। टीचर है, किस सब्जेक्ट के टीचर है? सर गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर है, तो चलो बहुत अच्छी बात बेटा, बस कुल मिला के पढ़ाई करते रहो। ये बताओ पढ़ाई ऑफलाइन ऑनलाइन कहाँ कहाँ से करती हो? सर मेरा ऑनलाइन रहता है, मैं नीट की तैयारी करती हूँ। अच्छा, नीट की तैयारी करते हो, तो मतलब पूरी तरह से ऑनलाइन की ऑफलाइन भी? नहीं सर, पूरी ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी रहती है। ठीक है, और ढेर सारा कांग्रेचुलेशन, दूसरी रैंक आई है, मोबाइल जीती है बच्ची, देखो इन्हें कहते हैं मेहनत। गांव से हो ना बेटा तुम? यस सर, गांव से। अच्छा, गांव से आकर के शहर में रूम लेकर के, केवल मतलब फोकस होता है इनका पढ़ाई पर, केवल पढ़ाई पे फोकस होता है, पढ़ाई पर फोकस करने के लिए शहर आते हैं, और उसके बाद अपने से बनाना, अपने से खाना, अपने से बनाना खाना चलता है। यस सर, सोचो कितनी जिम्मेदारी है, बढ़ाना अपने से बनाना खाना, अपने से पढ़ना, सब कुछ अपने से करना, और ऑनलाइन पे इतने डिपेंड है, पढ़ाई करते हैं, दूसरे रैंक पे आई बेटा। ढेर सारा कांग्रेचुलेशन, ढेर सारा आशीर्वाद, ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। सर फिजिक्स बहुत अच्छी है। फिजिक्स बहुत अच्छी है, वो तो बहुत दिन से अच्छी है। यस, नहीं पढ़ते हैं ना तो अच्छी लगती है, पढ़ने में अच्छी लगती है इनको। चलो ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, नए फोन के लिए कांग्रेचुलेशन, फिर मिलते हैं, ठीक बेटा। फोन जल्दी दीजिए, घर पे बताना। अच्छा, घर पे पापा से बताना, पापा से, मम्मी से, किससे किससे बताना है? सबसे बताना है इनको, फोन चाहिए और उसी फोन से फोन करके बताना है। देखो सबसे बड़ी इनको सबसे बताना, उसी फोन से फोन करके बताना है। नहीं तो मतलब इसके इरादे बड़े खतरनाक थे, इस लड़की को साधारण लड़की ना समझो, ये बहुत पहले से खतरनाक इरादों के साथ आई थी कि मैं एक फोन जीतूंगी, फिर उस फोन से मैं अपने पापा को फोन क्यों। तुम लोग फोन जीतने का सोच रहे थे, ये फोन जीत चुकी थी मन से, और मन से फोन जीत करके फोन लगा दी थी। मुझे फोन नहीं जीतना है, मुझे नीट में एडमिशन लेना है, तो मैं टेस्ट दूं ताकि मैं अच्छा फोन। नहीं नहीं बेटा, मतलब तुम्हारे अंदर एक मन में जीत थी ना, बस वही चीज, इसीलिए तुम सेकंड रैंक पे आई हो। ओके सर, ओके, ठीक बेटा, चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक बेटा, कांग्रेचुलेशन। ओके बेटा।